हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल त्यागी एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज में कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर्स जो हैं बायोलॉजी के, और जिसमें लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें लगभग 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो ये आप वीडियोस आपकी पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी दोनों ही एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे उनको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसकी हम लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन मुझे रह गया था कि जो क्लाइनफेंटेस सिंड्रोम होता है उसमें आपके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनका एक्स एक्स वाई होता है कैरियोटाइप या एक्स वाई वाई होता है। ओके, सो इट वॉज एक्स एक्स वाई, दो एक्स क्रोमोजोम एक वाई क्रोमोजोम। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस वाई क्रोमोजोम जो इंडिविजुअल होगा उसमें मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि दो एक्स एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोजोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो इसकी वजह से फेमिनिन कैरेक्टर्स भी उसमें डेवलप होंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था बेसिकली ये था कि नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी होती है क्लाइनफेंटेस सिंड्रोम में। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइप बताया भी था कि बार बॉडीज का नंबर हम कैसे काउंट करते हैं। बार बॉडीज होती हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम माइनस वन। ओके, जैसे यहाँ पर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं और वन माइनस करेंगे तो इक्वल टू आएगा वन। तो बार बॉडी जो है आपकी क्लेनफाइंटर सिंड्रोम की कंडीशन में एक प्रेजेंट होगी। ओके, जैसे सपोज अगर कंडीशन है ट्रिपल एक्स वाई, तो यहाँ पर कितनी बार बॉडीज हो जाएंगी, यहाँ पर है तीन एक्स क्रोमोजोम माइनस वन इक्वल टू टू, टू बार बॉडीज, ठीक है। बार बॉडीज या हिंदी में जिनको बार निकाय बोला गया है कि क्लाइनफेंटेन सिंड्रोम में बार निकायों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। हिस्टोन ऑक्टोमर डज नॉट इंक्लूड, या हिस्टोन ऑक्टोमर में शामिल नहीं है। यहाँ पर कुछ जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको एच वन एच टू बी एच थ्री एच फोर, ये बेसिकली आपकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ आपकी हिस्टोन ऑक्टोमर में प्रेजेंट होती हैं और कौन सी प्रेजेंट नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें अगर हिस्टोन ऑक्टोमर की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जब हम डीएनए पैकेजिंग मॉडल पढ़ते हैं, डीएनए पैकेजिंग मॉडल मतलब कि जो न्यूक्लियोसोम है उसमें डीएनए और जो प्रोटीन है ऑक्टोमर्स हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, बेसिकली उसके रिगार्डिंग न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है। तो उसमें देखिए हिस्टोन ऑक्टोमर इसलिए है क्योंकि हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके 8 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्टोमर बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड ऐसे ही चार पीछे रहेंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 5 6 7 और 8, ये पीछे वाले साइड में 3D स्ट्रक्चर बनाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तो ये जो ऑक्टोमर्स में प्रोटीन है आगे और पीछे दोनों में, जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ सेम ही प्रोटीन रहेगी, ठीक है। जैसे कि ओके, यहाँ पर है आपकी एस टू ए, यहाँ है एच टू बी, दिस इज एच थ्री एंड एच फोर, ये टाइप्स हैं स्टोन के, एस टू बी एस टू ए एस टू बी एस थ्री एंड एच फोर। तो ये चारों आपके प्रोटीन्स कहाँ शामिल हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर में शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर एच वन इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है, एच वन प्रोटीन का, ये हिस्टोन ऑक्टोमर में शामिल नहीं होती है। एच वन प्रोटीन आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल में जरूर शामिल है, न्यूक्लियोसोम मॉडल में जरूर शामिल है। अब मॉडल में क्या फंक्शन है फिर उसका अगर यहाँ पर नहीं है, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल आप हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये माला है और इसमें जगह जगह मोती बने हुए होते हैं, इसको इस तरह से देखा जाता है कि एक माला में जिस तरह से मोती बने हुए पड़े हुए होते हैं उसी तरह डीएनए में ये जो स्टोन ऑक्टोमर है ये पड़े हुए होते हैं। अब ये जो थ्रेड है वो डीएनए है और ये जो मोती जैसी स्ट्रक्चर है वो आपकी पर्ल स्ट्रक्चर है, वो आपकी ऑक्टोमर है, स्टोन ऑक्टोमर है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टोन ऑक्टोमर और ये है थ्रेड आपका डीएनए। ओके,
अब इस फिर हम बात करते हैं H1 प्रोटीन का काम कहाँ है। तो ये आपका ऑक्टोमर हो गया, तो जस्ट सपोज यहाँ से ये शुरू हुआ, ये डीएनए थ्रेड जा रहा है, तो कहीं यहाँ पे इस तरह से एक हिस्टोन ऑक्टोमर जुड़ा हुआ होगा, सॉरी H1 जुड़ा हुआ होगा। ऑक्टोमर तो ये हो गया, H1 जुड़ा हुआ हो गया। इसका काम है जहाँ से डीएनए स्टार्ट हुआ और जहाँ डीएनए क्लोज हुआ आके एग्जिट पे और एंट्री पे, इसको बाइंड करने का काम आपकी H1 प्रोटीन करती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 16th। म्यूटेशंस आर मेनली, म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं हम उत्परिवर्तन। ठीक है, कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मफुल हानिकारक, बेनिफिशियल लाभकारी, रिसेसिव अप्रभावी, डोमिनेंट प्रभावी। मतलब इन शब्द के अर्थ तो हम लोगों को पता ही है ना। हानिकारक क्या होंगे, जो किसी भी तरह से हमारे लिए हार्मफुल होंगे, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लाभकारी, जिनसे हमें बेनिफिट होते हैं, लाभ होते हैं। प्रभावी, जो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो अपना प्रभाव शो नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरे से दबे हुए हैं उसके प्रभाव में। और डोमिनेंट या प्रभावी, कि दो कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक रिसेसिव हो गया और दूसरा कैरेक्टर उस पे डोमिनेंट होके अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये चारों टर्म्स उस संदर्भ में यूज होती हैं। तो सबसे पहले अगर म्यूटेशन की बात करें कि म्यूटेशन होती क्या है, जस्ट सपोज कोई आपका जीन है जिसमें आपके जिसमें आपके नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, CTAGGC&T। ओके, अब किसी भी वजह से क्या हुआ, हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर रहा हो, सेमेटिक सेल एंड जेनेटिक सेल दोनों में से किसी में भी हो सकता है। अब इस जी एक ही जगह यहाँ पर सडनली क्या हुआ, कुछ कुछ भी कारण रहा और ए जो है वो रिप्लेस हो गया टी से। अब इससे क्या हुआ, तुरंत सारी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, क्योंकि जो एक सीक्वेंस होती है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिनोट करती है। कोडोन सीक्वेंस ही तो होती है ये, कि CTA है एक कोडोन है, GCG है एक कोडोन है। कोडोन जो है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिनोट करते हैं और एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर एक ही जगह टी आ गया ना, तो तुरंत पूरे के पूरे जीन में परिवर्तन हो गया, तुरंत म्यूटेशन हो गई, नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। मैं अगर एग्जांपल लूँ प्लांट का, जस्ट सपोज इस डीएनए स्ट्रक्चर के साथ जो पहले वाली है, एक फ्लावर था जिसका कलर रेड था। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ टी आने से, जैसे ये एक पेटल है, ये फुल रेड थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस का कलर व्हाइट रह जाए और सारी की सारी रेड हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये था म्यूटेशन का इफेक्ट। तो जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल भी होती है, बेनिफिशियल भी होती है, दोनों टाइप की होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि जो हार्मफुल म्यूटेशंस होती हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब पास होती हैं, वो कहीं खो जाती हैं, वो आगे अडप्ट नहीं करते हम उन लोग उनको, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हार्मफुल चीजें हैं उसको हम अडोप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो आगे पास नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो म्यूटेशंस होते हैं मेनली लाभकारी होते हैं। हार्मफुल भी म्यूटेशंस होते हैं, हो सकता है एक जगह जो म्यूटेशन हार्मफुल हो, दूसरी जगह वो बेनिफिशियल हो। एक सिकल सेल एनीमिया का इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आपकी RBCs होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो सिकल टाइप की हो जाती हैं, मतलब तो हसिया के आकार की हो जाती हैं इस तरह से। तो यहाँ ये जो है, इसे मतलब एक कंडीशन है जिसमें एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें एनीमिया के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और सांस लेने में अगर हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं दिक्कतें होती हैं, बुला 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 बहुत सारी हैं। लेकिन मेन बात क्या है, देखिए ये नेगेटिव कंडीशन है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो अफ्रीका है ना, वहां पर सिकल सेल एनीमिया के साथ ही ज्यादातर बेबीज जो हैं वो बोर्न होते हैं, क्योंकि जो सिकल सेल RBCs होती हैं, इनमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन डेवलप हो जाती है, वो प्रोटीन मलेरिया नहीं होने देती, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। तो वैसे नेगेटिव है ये कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका में जाके, कुछ कंट्रीज में अफ्रीका की में जाके क्या हो गया, ये पॉजिटिवनेस बन गई उनके लिए। तो म्यूटेशंस मेन रूप से जो है हमारे लाभकारी होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन होता कि हानिकारक और बेनिफिशियल दोनों, तो वी कैन से दैट वी विल गो विद ऑप्शन दैट ऑप्शन, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, बट इन दिस केस वी विल चूज द आंसर बी, इट्स बेनिफिशियल। ओके,
बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रोस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रोस, जो मेंडल साहब ने दो कैरेक्टर्स के साथ डाइहाइब्रिड द्वी, हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलर क्या होता है, बट मुझे लगता है कि आप डाइहाइब्रिड का मतलब जानते होंगे। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रोस ने, और वरना मैं समझाऊंगी क्या होता है, कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप मौजूद होंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें पहले तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। मेंडेलियन का तो आपको पता है कि जो मेंडल साहब ने अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में अपने काम किया था पी प्लांट पाइजम सेटाइबम के ऊपर, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि दो कैरेक्टर्स, दो लक्षण या कैरेक्टर्स एक साथ लेके उन्होंने क्रॉस किया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप होता है जो जीन स्ट्रक्चर्स है उसके रिगार्डिंग, और फिनोटाइप मतलब जो हम देख सकते हैं आंखों से। ठीक है, कैरेक्टर्स जैसे कि कोई लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, हरा है, पीला है, कुछ भी, वो फिनोटाइप है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर कोई जैसे सपोज ब्लैक कलर है किसी के बालों का, तो जरूरी नहीं है कि उसके जीन जो है दोनों ब्लैक के ही लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा हो सकता था ना कि एक वाइट के लिए था लेकिन ब्लैक उस पर डोमिनेंट हो गया, तो वो उसका जीनोटाइप है। जीन किसको उसके कैरेक्टराइज कर रहे हैं वो, लेकिन फिनोटाइप है कि वो हमें दोनों ब्लैक दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो मैं आपको पूरा क्रॉस तो यहाँ करा के नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पेन कहाँ गया मेरा? ओके, ये रहा। हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि दो जो लक्षण थे, जैसे कि उन्होंने लिया था राउंड येलो, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा मेंडल तब पढ़ेंगे इसको, राउंड येलो था एंड रिंकल्ड ग्रीन था दूसरा कैरेक्टर, रिंकल्ड ग्रीन हिंदी में पीला गोल और हरा झुर्रीदार, पीला गोल, और ये सीड या पोड टाइप थे, हरा झुर्रीदार। ठीक है, तो जो इसमें मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ, नो टाइप के तो जीनोटाइप्स बने थे, मतलब कि जो जीन्स थे उनके ग्रुप्स, और फिनोटाइप केवल चार थे। ठीक है, मतलब जो लक्षण थे उसमें दिखाई देने के आधार पर चार ही लक्षण थे, और आपके फिनोटाइप्स जो थे वो चार थे, जीनोटाइप नो थे। अब फिनोटाइप में क्या क्या आपके गुण आ गए थे, पहला तो आ गया था राउंड येलो, यहाँ लिखती हूँ राउंड येलो कुछ बने पौधे आपके, दूसरे राउंड ग्रीन बने, कुछ रिंकल्ड येलो बने एंड कुछ रिंकल्ड ग्रीन बने। ठीक है, तो ये चार फिनोटाइप हो गए, मतलब चार कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए थे, और अलग अलग नो टाइप के फिनोटाइप बने थे जिसमें रेशियो था 9:3:3:1 का। ओके, चलिए इसका आंसर भी हमें क्लियर हुआ, दैट इज बी, नो एंड फोर रेस्पेक्टिवली, 9 and 4 रेस्पेक्टिवली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19th। सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, कि बिना मिट्टी के जो पादप हैं उनका संवर्धन क्या कहलाता है। इसकी हिंदी ये है कि बिना मिट्टी का यूज किए, बिना मिट्टी का प्रयोग किए पादप संवर्धन क्या कहलाता है। ओके, ऑप्शन ए कहता है कि हॉर्टिकल्चर, पोमो कल्चर, हाइड्रोफोनिक्स एंड एक्वा कल्चर। तो ये एक खेती की नई पद्धति है जिसमें सॉइल का प्रयोग ना करके वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स या मिनरल, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल, ओके, इनको यूज किया जाता है। इसमें एक तरह से पानी में खेती की जाती है, डायरेक्टली पानी में न्यूट्रिएंट मिला दिए जाते हैं और उसमें पौधों को रोप दिया जाता है। तो हाइड्रो शब्द जो है इसका अर्थ ही होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोफोनिक्स वो आपका पर्टिकुलर मेथड है खेती करने का जिसमें सॉइल लेस कल्चर किया जाता है, प्लांट्स को पानी में उगाया जाता है डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को मिला के। ठीक है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, हाइड्रोफोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स, हिंदी में भी आपको यही शब्द देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जल संवर्धन भी मिल सकता है वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं,
क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? इपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, बी न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, सी मस्कुलर टिश्यूज, मांसपेशियों में जो टिश्यूज पाए जाते हैं मांसपेशियों के ऊतक में, या डी अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। ठीक है, तो जो आपका क्रिएटिन फॉस्फेट है ये आपका हाई एनर्जी का सोर्स है। फॉस्फेट में जो फॉस्फेट न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें हाई एनर्जी सोर्स है। हाई एनर्जी सोर्स ऑफ फॉस्फेट, और ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, मसल्स या मांसपेशी ऊतक में, मांसपेशी ऊतक में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, ये डायरेक्ट पॉइंट ही है कि आपका क्रिएटिन फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 21वां। 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, 1 लीटर रक्त शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन देता है? ओके, हम सबको मालूम है कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में भी स्पेशली जो आरबीसीज होती हैं वो लगभग ब्लड का 97% ऑक्सीजन जो है वो कैरी करती हैं, मतलब कि इतना ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को ले जा करके ब्लड में मिक्स करके देती हैं। आरबीसीज में भी पर्टिकुलरली किसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का। एक हीमोग्लोबिन जो है, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन एट, ओके, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के एटम को कैरी करता है। तो ये भी एक पॉइंट इसमें, ये कुछ एडिशनल जानकारियां थी इसमें। 97% तो आरबीसी करती है, इसके अलावा प्लाज्मा में घुल के कुछ आपका 3% के लगभग ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि 1 लीटर रक्त में शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन देता है, तो वो देता है लगभग 200 ml। ठीक है, 150 ml भी आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर 150-200 दोनों प्रेजेंट है तो हम 200 ml के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना होगा, लर्न करना होगा, इसमें भी कुछ समझने के लिए अलग से नहीं है कि 1 लीटर रक्त शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, 22nd की, दैट इज ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन शो। एक खाद्य श्रृंखला में पोषण से संबंधित स्तर फंक्शनल लेवल होते हैं, कार्यात्मक स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा स्तर, निश होते हैं, आला, ये शब्द कुछ नया था, निश, ठीक है, निश होते हैं, मतलब कि एक तरह से निश बोले तो रहने की जगह, ओके। डी रोल ऑफ ए स्पीशीज, एक प्रजाति की भूमिका क्या है उस जगह, उसको डिसाइड करते हैं, ओके। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, पहले तो सबसे बात ये है, फूड चेन्स आप लोगों को पता है क्या होती है, जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर खाता है, टिड्ढा खाता है, टिड्ढे को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, जो सपोज मेंढक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा। तो ये क्या है, ये पूरी एक फूड चेन है। अब इस फूड चेन में एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल को डिनोट करता है, जैसे ग्रास क्या हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, टिड्ढा, टिड्ढा क्या हो गया हमारा प्राइमरी, प्राइमरी वो हो गया कंज्यूमर, मेंढक क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सांप क्या हो गया टर्शरी कंज्यूमर हो गया। देखिए अगर मैं जाऊं कि रोल ऑफ स्पीशीज जो है वो एक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल डिसाइड करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशीज वहां पर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में होती है। जरूरी नहीं है कि यह टिड्डे ही हैं वो घास खाएंगे, घास खाने के लिए गाय भी हो सकती है, ठीक है, या फिर घास को कोई और भी चीज, डियर खा सकता है, और डियर को फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉयन खा ले, ओके। तो ये स्पीशीज की भूमिका तो इसमें पर्टिकुलर नहीं होती है, यहाँ बात होती है ऊर्जा स्तर की, एनर्जी लेवल की, वो किस तरह से जो एक पर्टिकुलर आपका प्रोड्यूसर्स है इनकी एनर्जी का एक लेवल होता है, एनर्जी कुछ कैलोरीज में इनकी डिसाइड होती है, और यहाँ एक लॉ एक्ट करता है 10% लॉ, मतलब कि
अगर कुछ एनर्जी, जैसे सपोज यहाँ 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो जब उसका नेक्स्ट उसको कोई भी ट्रॉपिक लेवल का कंज्यूमर इस पर फीड अप करेगा, तो अगली उसमें केवल 1000 की 10% एनर्जी ही जाएगी, बाकी जो एनर्जी है वो कहीं एटमोसफेयर में खो जाएगी। तो 1000 का 10% कितना हो जाता है? 1000 का 10%, इट्स 100। अब यहाँ से थर्ड, आपके जो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास या थर्ड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाएगी, तो अब 100 की 10% जाएगी, नेक्स्ट में जाएगी तो 1 जाएगी। इस तरह से एनर्जी कम होती चली जाती है। तो हर ट्रॉपिक लेवल आपका फूड चेन में शो करता है एनर्जी लेवल को। ओके, समझ में आया होगा, आई होप आपको। कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ मैंने गलत बोल दिया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, ग्लोसीना पेल्पेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, ठीक है, कि ग्लोसीना पेल्पेलिस किसका जूलॉजिकल नेम है? तो ये सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है। सीसी फ्लाई, इसको कभी कभी जीजी फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, जीजी फ्लाई। ये एक अफ्रीकन एक स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, उसका जो कैरियर होता है, उसका जो वाहक होता है, दैट इज ट्रिप्नोसोमा, उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ले जाती है। जैसे फीमेल एनोफिलीज होती है, वो प्लाज्मोडियम को ले जाती है, मलेरिया के वाहक को, मलेरिया के सॉरी कारण को, वाहक के रूप में काम कौन करता है? फीमेल एनोफिलीज। यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, उसके केस में सीसी फ्लाई ट्रिप्नोसोमा को के लिए करियर का काम करती है, वाहक का काम करती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। पिकनोजाइलिक वुड इज फाउंड इन साइकस, पाइनस, बेनियन ट्री, शोरिया रोबस्ट। यहाँ पिकनोजाइलिक वुड एक वुड का टाइप है, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी, पिकनोजाइलिक की क्या होती है, क्वेश्चन में भी नहीं मिली मुझे। तो वो किस में, पिकनोजाइलिक वुड जो है वो किस में पाई जाती है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जो वुड होती है आपकी, दो हम हिस्सों में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मैनोजाइलिक, मैनो जाइलिक एंड पिकनोजाइलिक। तो मोनोजाइलिक जो वुड होती है वो नॉन ड्यूरेबल होती है, मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, वो क्षमता सहने की कम होती है, पिकनोजाइलिक की ज्यादा होती है। इस बात से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो मैनोजाइलिक वुड है उसको हम फॉर लाइक वी कैन से कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। पिकनोजाइलिक वुड को हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि घर में, जैसे सपोज अलमीरास वगैरह चढ़ी होती हैं या घर पे फर्नीचर होता है, तो उस सब में हम पिकनोजाइलिक वुड का यूज कर सकते हैं। तो मेन चीज, जो मेन डिफरेंस होता है उसमें ये होता है कि जो मैनोजाइलिक वुड है उसमें जाइलम जो है वो कम होता है, ठीक है, लेस होता है, जबकि पिकनोजाइलिक वुड में लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम पाई जाती है। पिकनोजाइलिक वुड का आपका एग्जाम्पल है पाइनस, एंड मैनोजाइलिक में आपका आ जाता है साइकस, ठीक है। तो इसके कुछ ये इनके बीच में डिफरेंस है छोटा सा, और पिकनोजाइलिक वुड कौन सी है, इसमें पाइनस है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25। बात स्पॉन्ज इज, फिर से हमारा ये जो केवी की वीडियो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें हमने बात कर चुके हैं बात स्पंज की। स्पॉन्जेस कौन होते हैं? हमारे पोरीफेराज होते हैं, मतलब कि जो इनवर्टिब्रेट्स में पहली हम फाइलम पढ़ते हैं, दैट इज पोरीफर्स, पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स लाइक दिस। सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं और इस तरह से उनमें होल्स होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्ज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, इसमें स्पॉन्जिया ही हमारा बहुत स्पंज होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें रटना होता है, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन है कि बात जो बात स्पंज है वो हमारा यू स्पॉन्जिया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कहता है। गोसिपियम
बिलोंग्स टू फैमिली, यहाँ पर एक जीनस हमें दिया गया है बेसिकली, और पूछा है किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो ये भी आपको थोड़ा सा रटने वाला है कि कुछ फैमिलीज के हमको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, जैसे सोलनेसी किसके लिए जानी जाती है, आलू के लिए जानी जाती है। एस्टरेसी किस लिए जानी जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा लिख के, एस्टरेसी को किस लिए जानते हैं। मालवेसी जो है हमारी जानी जाती है स्पेशली ओकरा कोटन, दो चीजों के लिए। तो ये जो कोटन है ना, ये गोसिपियम का ही जीनस है आपका कोटन। इसके लिए, इसके अलावा एक और कॉमन सा बड़ा एग्जाम्पल है हिबिस्कस, हिबिस्कस इसको गुड़हल बोलते हैं हम लोग, ओकरा भिंडी होती है। और ठीक है, तो मालवेसी जो है इन दो तीन चीजों के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन तो इस तरह से ही होते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर फैमिली के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर प्लांट, अगर एनिमल्स के लिए तो ऑर्गेनिज्म पता होने चाहिए, और अगर प्लांट के लिए है तो उसमें कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स जो है, प्लांट जो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स हैं उनके नाम हम लोगों को मालूम होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, दैट इज सेंसिक्रम बोन इज द फीचर ऑफ। जो सेंसिक्रम बोन होती है ये आपकी बर्ड्स जो उड़ सकती हैं स्पेशली, उनका एक फीचर है। ये प्रोवाइड करती है उन्हें कम वेट, ठीक है, लेस वेट रखने के लिए ये बोन प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली बोन होती क्या है, जो हमारी थोरेसिक बोन्स होती हैं, मतलब कि हमारे थोरेसिक रीजन की पूरी रिब्स वगैरह होती हैं, थोरेसिक बोन्स, थोरेसिक बोन्स प्लस लंबर बोन्स, लंबर वर्टिब्रीज, लंबर बोन्स, ये सब आपस में जुड़कर क्या होती है, एक बोन बना लेती हैं टिपिकल। अब इससे क्या होता है, एक बोन बनने से जो जैसे थोरेसिक बोन्स है उनको फंक्शन करने के लिए अलग मसल्स चाहिए, लंबर बोन्स को फंक्शन करने के लिए अलग मसल्स चाहिए, तो उससे क्या होगा, उससे बॉडी वेट पर इफेक्ट पड़ेगा। जितनी ज्यादा मसल्स हो जाएंगी उतना ज्यादा बॉडी वेट इंक्रीज होगा, और आपकी बर्ड्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि उनको वेट कम करना, ताकि उनको फ्लाई में हेल्प मिल सके, क्योंकि वो तो उड़ने के लिए अडेप्टेड है। इसलिए ये सारी वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर, ये सारी बोन्स आपस में फ्यूज होकर एक बोन बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं हम सिंसेक्रम बोन। ठीक है, एक बोन और होती है इसमें विश बोन, अगर पूछा जाए आपसे विश बोन, तो ये भी आपकी बर्ड्स का ही कैरेक्टर है, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है विश बोन। ठीक है, तो जाएंगे हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, दैट इज फ्लाइंग बर्ड्स। बात करते हैं 28th क्वेश्चन की, दैट इज सीड हैबिट इज ऑब्जर्व इन। ओके, जैसे अभी हमने सिंसेक्रम बोन की बात की, फ्लाइंग बर्ड्स की अडेप्टेशन है, तो ये जो सीड हैबिट है ये भी एक अडेप्टेशन है टेरिडोफाइट्स में मिलने वाली बेसिकली। और ये अडेप्टेशन क्या है कि जो इनमें स्पोर्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं स्पोर्स, वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें अलग अलग स्पोर्स हों दोनों, जैसे मेगा स्पोर, बड़ा जो स्पोर होता है उसको मेगा स्पोर बोलते हैं, जो छोटा स्पोर होता है उसको माइक्रो स्पोर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम कलेक्टिवली हेट्रोस्कोपी। ओके, एक टर्म हो जाती है इसके लिए हेट्रोस्कोपी। और जो इसके अलावा और भी जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं होमो, मतलब कि दोनों सेम है। तो हेट्रोस्कोपी जो जीन्स होते हैं, सॉरी जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है, और यही आपकी सीड हैबिट को डिनोट करते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है, ये पर्टिकुलर 8 आपके ऐसे जीनस हैं टेरिडोफाइट्स के जिसमें पाया जाता है, जिसमें से मेनली मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका स्लेजिनेला हो गया सबसे पहले, जो कि इस क्वेश्चन में आंसर भी है, स्लेजिनेला। एक मार्केशिया में होता है, मार्केशिया, और एक होता है आपका अजोला में। ठीक है, बाकी के नाम हम पढ़ेंगे अपनी डिटेल वाली क्लास में। तीन ही एग्जाम्पल अभी काफी हैं कि जो सीड हैबिट है वो एक अडेप्टेशन है बेसिकली, कि माइक जो स्पोर्स हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, अच्छा सीड है जो सीड है तो वो दो टाइप के होने से फायदा क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें हेल्प मिली, कि जो मेगा स्पोर्स है उससे केवल एक ही स्पोर आपका आगे जाके डेवलप होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक एडप्टेशन है, अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिजल्सन एंड स्टॉल
यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट जो करने वाले साइंटिस्टों का नाम दिया हुआ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है डीएनए की, जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है ना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, या हिंदी में बोले अर्थ संरक्षी प्रकृति। ये एक मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। उस मॉडल के ऊपर मिजलसन एंड स्टोहल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट था बेसिकली कि जो डीएनए है उसकी जो हाँ जी, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, वो अर्ध संरक्षी होती है। मतलब कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया जाए, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग हम अलग अलग कर देंगे। सपोज यहाँ से अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो कुछ टाइम बाद वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे, कुछ टाइम बाद वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे बेस पेयर के, उसके साथ बॉन्ड बना के बेस पेयर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं, और यही अर्ध संरक्षी प्रकृति है। मतलब कि डीएनए का एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्वेटिव रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस पे जो रेडियो आइसोटोप यूज किया था वो था N15, नाइट्रोजन 15 का। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जिनमें हमने बेसिकली डिस्कस किए थे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा, मजा आया होगा। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हम लोगों को छोड़ दीजिएगा, हम आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।